हाँ तो दोस्तों, हम सरप्लस पर आ गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने लेटेस्ट वीडियो में काफ़ी कवर कर लिया था। अब हम सरप्लस देखते हैं दोस्तों। ब्रिटेन हैड द सरप्लस ट्रेड सरप्लस इन इंडिया। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ब्रिटेन मैन्युफैक्चर फ्लडेड द इंडियन मार्केट। जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वे इंडियन मार्केट को कैप्चर करे हुए थे, जिसके फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। और फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया टू ब्रिटेन में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। और द वैल्यू ऑफ ब्रिटेन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड हायर मच द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो वैल्यू थी हमारी ब्रिटिश एक्सपोर्ट की वो इंडिया में मच यानी हायर हो गई थी, और वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया हमारी जो थस ब्रिटिश हैड द ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। और यानी ट्रेड सरप्लस उन्होंने शामिल कर दिया था, यानी व्यापार से ज़्यादा, अधिक से ज़्यादा पैसे। और ब्रिटिश यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस द ट्रेड डिफिसिट विद अदर कंट्रीज़। और जो ब्रिटिश थे सरप्लस को लागू करने का एक ही मकसद था, यानी वो बचाव कर सके ट्रेड विद अदर कंट्रीज से। और दैट द कंट्रीज ऑफ विच फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टेड मोर देन इट वॉज सेलिंग टू। जितना वो बेच रहे हैं उनसे कहीं अधिक वो खरीदने यानी सेलिंग बेचने का भी प्रयास करिए। और मल्टी लैंडर्स लेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स अलाउइंग वन कंट्रीज डिफिक्ट विद अनदर कंट्री टू सेल्टर्ड बाई इट सरप्लस विद इट आयर थर्ड कंट्री। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, इस पर ये इमेज भी देख लेना। और ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया हैज द सो कॉल्ड होम चार्जेस। और ब्रिटिश का जो सरप्लस था वो इंडिया में होम चार्जेस के रूप में था, जो इंक्लूड था प्राइवेट रेमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियन एक्सटर्नल डिबेट्स डेब्ट्स और प्रिजनर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है हमारा द इंटर वार इकोनॉमी। इंटर वार इकोनॉमी को देख सकते हैं दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें काफ़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे वार वर्ल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। मेनली 14 इन यूरोप में था। इनफैक्ट द फैल अराउंड द वर्ल्ड में इसका, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हुआ था यूरोप में और इसका यूरोपियंस के साथ, और इसका इम्पैक्ट हमारी काफ़ी वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड देखने को मिला, जिसके कारण काफ़ी इकोनॉमिक डगमगा गई थी हमारी वर्ल्ड की। जैसे आप टू पावर्स के बीच में था ये, जैसे आप देख सकते हैं एलाइज पावर थी और हमारी सेंट्रल पावर्स थी। एलाइज पावर में हमारा ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया थे, उसमें बाद में यूएसए भी ज्वाइन हो गया था। और सेंट्रल पावर में हमारे जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की थे। उन्होंने फाइट इन्वॉल्व करी थी और इंडस्ट्रियल नेशंस के कारण आप देख सकते हैं बाल्कन रीजन्स पे ही हुई थी, और जिसके कारण यहाँ पर यानी ये देख सकते हैं आप, जो इसमें काफ़ी 20 मिलियन इंजर्ड थे, 9 to 20 मिलियन। इसमें 9 मिलियन की डेथ हुई थी पीपल्स की। इसमें काफ़ी डेथ नुकसान हुआ था, यानी इकोनॉमिक डगमगा गई थी सभी कंट्रीज यानी वर्ल्ड की। और 20 मिलियन इंजर्ड हुए थे पीपल्स, अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स। और इसमें इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार में देख सकते हैं आप, यहाँ पर द मोस्ट ऑफ द किल्स एंड मेन वर द मैंस एंड वर्किंग एज। इसमें जो काफ़ी किल हुई व्यक्ति थे जो उसमें हमारे थे वो मैंस एंड वुमेंस वर्किंग एजेस थे, मैंस थे वर्किंग एजेस वाले। और जो डेथ एंड इंजर्ड द एबल बॉडीज वर्क फोर्स इन यूरोप वेयर फीवर द नंबर ऑफ विद इन द फैमिलीज हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन आफ्टर द वार। और जो हाउस होल्ड इनकम्स थी हमारी वार फैमिलीज की, वे डिक्लाइन कर गई थी, इनकम्स डिक्लाइन कर गई थी आफ्टर द वार के। और प्रोडक्शन वार्स इन इटली और प्रोडक्शन भी घट गया था, जिसके कारण स्टिफ कंपटीशन फूड में देखने को मिला था हमें। ये चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है हमारा पोस्ट वार रिकवरी। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल यूएसए सिटीजन्स मोड ओवरसीज असेट्स फॉरिजन गवर्नमेंट एंड ऐसा ही है, ये देखते हैं।